के मैदान, प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के मैदानों को दो भागों में आप लोग डिवाइड कर सकते हो, दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। मेजर प्लेन्स, मुख्य मैदान और कोस्टल प्लेन्स। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। दोस्तों, मेजर प्लेन्स में कौन कौन से आएंगे? इंडस प्लेन्स दोस्तों, सिंधु नदी के मैदान, गंगा नदी के मैदान, गैंजेटिक्स प्लेन्स, गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा नदी के मैदान, कौन से मेजर प्लेन्स में? और प्लेन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मैदान। और तटीय मैदानों में कौन कौन से आएंगे? ईस्ट कोस्टल और वेस्ट कोस्टल दोस्तों। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या ईस्ट कोस्टल और वेस्टर्न। तो इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस प्लेन्स, सिंधु नदी के मैदान। इंडस प्लेन्स, सिंधु नदी के मैदान। क्लियर? इंडस प्लेन दोस्तों, सिंधु नदी के मैदान। सिंधु नदी के मैदान जो है, इन मैदानों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों। इन मैदानों में, सिंधु नदी के मैदानों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कृषि, इसीलिए ये उपजाऊ भी होते हैं। उपजाऊ होते हैं तो यहाँ पर कृषि भी ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है इंडस इंडस प्लेन में, सिंधु नदी के मैदानों में। और यहां पर हरित क्रांति चलाई गई थी। कौन सी क्रांति चलाई गई थी? हरित क्रांति चलाई गई थी और बहुत ही ज्यादा पैदावार की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति के सफल होने का कारण ये मैदान ही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा फसलें उगाने की वजह से यहाँ की उपजाऊ क्षमता कम हो गई दोस्तों। तो यहां पर खाद डालकर अब कृषि की जाती है। सिंधु नदी के मैदान जो है, इंडस प्लेन्स जो है, वो कहां से लेकर कहां तक फैले हुए हैं? किन किन जगह के बीच में, किन कौन कौन सी नदियों के बीच में है, और वहां वहां पर इनको क्या क्या बोला जाता है, ये सारी की सारी बातें हम इन पढ़ेंगे। तो एक है इंडस रिवर, सिंधु नदी, और एक है दोस्तों चेनाब रिवर, चेनाब नदी। सिंधु नदी और चेनाब नदी के बीच के मैदान को बोला जाता है सिंध सागर मैदान, सिंध सागर मैदान। ओके, सिंध सागर मैदान।
इसके बाद फिर है झेलम नदी और चेनाब नदी, सॉरी सॉरी चेनाब बाद में आएगा, पहले झेलम आएगा। अब झेलम के बाद आएगा चेनाब, झेलम नदी और चेनाब नदी, चेनाब रिवर, ठीक है। झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच के मैदान को क्या बोला जाता है? झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच के मैदान को बोला जाता है दोस्तों चल दोआब, चल दोआब। दो नदियों के बीच की जगह को, दो रिवर्स के बीच की जगह को क्या बोला जाता है? मान लो एक नदी ये है और एक नदी ये है, तो इसके बीच की जो जगह है इसको दोआब बोला जाएगा दोस्तों। क्या बोला जाएगा? दोआब बोला जाएगा। तो कौन सा दोआब है? झेलम और चेनाब के बीच में चल दोआब, और सिंधु और झेलम के बीच में है सिंध सागर मैदान। चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के मैदान, चेनाब नदी और रावी नदी का बीच का जो मैदान, नदी नेक्स्ट है चेनाब रिवर, चेनाब नदी और रावी नदी। चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के जो मैदान है उसको बोला जाता है रचना दोआब, रचना दोआब, ठीक है। तो ये सिंध सागर मैदान है, चल दोआब और रचना दोआब है। इसका ज्यादा एरिया पाकिस्तान में है दोस्तों, ज्यादा एरिया इसका जो है पाकिस्तान में है, इंडिया में इसका एरिया कम ही है, इंडिया में इसका एरिया है कम, पाकिस्तान में है ज्यादा, इंडिया में है कम। जो सिंध सागर मैदान है, चल दोआब है, रचना दोआब है, इसका इनका एरिया पाकिस्तान में ज्यादा है और इंडिया में कम है। क्लियर? इसके बाद है दोस्तों रावी नदी से लेके ब्यास नदी, रावी नदी से लेकर ब्यास नदी के बीच के मैदान को बोला जाता है ब्यास बारी दोआब, सेम नाम है इनका। ओके, और व्यास नदी से सतलुज नदी, व्यास नदी से सतलुज नदी के बीच के मैदान को क्या बोला जाता है? व्यास नदी से सतलुज नदी के बीच के मैदान को बोला जाता है विश्त दोआब, और बारी दोआब और विश्त दोआब का ज्यादा एरिया इंडिया में है दोस्तों, कम एरिया पाकिस्तान में है। इंडिया में इनका एरिया ज्यादा है, पाकिस्तान में इनका एरिया कम है। इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के मैदान की, राजस्थान प्लेन्स। इंडिया के टोटल एरिया का 5% दोस्तों डेजर्ट है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा? सहारा मरुस्थल तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, ऊपर ही लिख लेते हैं। जी वेरी गुड, थार मरुस्थल।
इंडिया का 5% क्या है? डेजर्ट है दोस्तों, जो कि कहां पर है सारा का सारा, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, क्लियर। इस एरिया में, इस क्षेत्र में दोस्तों कम वर्षा होती है। कहा कितनी कम होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 0 से 25 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है उस एरिया को बोला जाता है दोस्तों मरुस्थल। उस एरिया को क्या बोला जाता है? उस एरिया को बोला जाता है मरुस्थल, क्लियर। ओके, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है दोस्तों, यहां पर टेम्परेचर होता है ज्यादा और यहां पर बारिश होती है कम। टेम्परेचर होता है ज्यादा और बारिश होती है कम, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा, बारिश कम, क्लियर। तो यहां पर केवल और केवल क्या उगते हैं? यहां पर केवल और केवल झाड़ियां उगती हैं दोस्तों, झाड़ियां। यहां पर केवल क्या उगता है? झाड़ियां उगती हैं। कैसी झाड़ियां? सोल्टी, नमकीन झाड़ियां और कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां, नमकीन झाड़ियों को बोला जाता है जेरोफाइटिक और कांटेदार झाड़ियों को बोला जाता है हेलोफाइटिक। नमकीन झाड़ियों को यहाँ पे क्या बोला जाता है? जेरोफाइटिक। और कांटेदार झाड़ियों को यहाँ पे बोला जाता है हेलोफाइटिक। ओके, राजस्थान में कई जगह पर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, या 25 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा वर्षा होती है। ओके, तो उस एरिया को क्या बोला जाएगा? उस एरिया को बोला जाएगा रोहिलैंड। क्या बोला जाएगा? रोहिलैंड। ऐसे एरिया को रोही बोला जाता है दोस्तों। अच्छा, ये चलो कोई बात नहीं। नमकीन झाड़ियों को बोला जाता है हेलो फाइटिक। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या आप? उल्टा बता दिया। और कांटेदार झाड़ियों को बोला जाता है जेरोफाइटिक। ठीक है, राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, बारिश होती है, रेनफॉल है। तो उस एरिया को क्या बोला जाएगा? उस एरिया को बोला जाता है दोस्तों रोहिलैंड। और यहां पर अनाज भी उगाए जाते हैं, तो राजस्थान के इस एरिया में अनाज उगाए जाते हैं, जैसे चना है, गेहूं है, बाजरा है, ये उगाए जाते हैं दोस्तों राजस्थान में। चना, गेहूं, बाजरा, इस प्रकार के अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं, क्लियर। ओके, गंगेटिक प्लेन्स, गंगा नदी के मैदान। गैंजेटिक प्लेन्स में सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर ओके, इसके बाद खादर या बांगर, एंड बांगर, और फिर दोस्तों
डेल्टा। डेल्टा भाबर क्या होता है जब नदी, जब गंगा नदी मैदानों पर प्रवेश करती है तो भाबर प्रदेश शुरू होता है दोस्तों, भाबर का मैदान शुरू होता है। गंगा नदी जब मैदानों में प्रवेश करती है यानी हरिद्वार के बाद, तो क्या क्या स्टार्ट होता है सबसे पहले? भाबर स्टार्ट होता है दोस्तों, भाबर के मैदान स्टार्ट होते हैं, क्लियर। और ये भाबर के जो मैदान है शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण भाग में फैले हुए हैं, शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण भाग में फैले हुए हैं। और इन मैदानों में है ना क्या होता है, इन मैदानों में पत्थरों के टुकड़े होते हैं जिसको बोला जाता है दोस्तों रंध, छोटे छोटे रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। ओके, तो जो छोटी नदियां होती है, छोटी नदियां इनके नीचे बहती रहती है, उन नदियों का पता नहीं चलता। दूसरा क्या है, दूसरा तो तराई प्रदेश, तराई प्रदेश जिसको बोला जाता है। भाबर के बिल्कुल दक्षिण में क्या है, भाबर के बिल्कुल दक्षिण में है दोस्तों तराई के मैदान, ठीक है, तराई, तराई प्रदेश जिसको बोला जाता है। इन प्रदेशों में, तराई के मैदानों में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों। तराई के मैदानों में क्या होता है, तराई के मैदानों में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो गीली रहती है क्योंकि यहाँ पर नमी ज्यादा रहती है, नमी ज्यादा रहती है तो मिट्टी गीली रहती है जिस कारण यहाँ पर मच्छर वगैरह ज्यादा हो जाती है। और इस तराई के जो मैदानों में तराई के मैदानों में बीमारियां ज्यादा फैलती है दोस्तों। ओके, क्या होता है, मच्छर ज्यादा होते हैं, मच्छरों के ज्यादा होने से बीमारियां ज्यादा फैलती है। ओके, जो जो खादर है, खादर को बोला जाता है न्यू एल्यूवियल और बांगर को बोला जाता है ओल्ड एल्यूवियल। ओके, जब मिट्टी की टाइप्स, सॉइल की टाइप्स हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मिट्टियां ही है, 8 प्रकार की इंडिया की मिट्टियां, इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वही रहेगा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैंने आप लोगों को बताया था जब नदियां करवाई थी तब डेल्टा बताया था। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के मैदानों को इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। दोस्तों गंगा नदी के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा, अपर गैंजेटिक प्लेन्स, मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स और लोअर। अपर गंगा, ऊपरी गंगा, जो अपर गंगा है, ऊपरी गंगा है दोस्तों, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अपर गंगा को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रोहिलखंड प्लेन्स, रोहिलखंड के मैदान। दूसरा है प्लेन्स ऑफ अवध या फिर अवध प्लेन्स। अवध के मैदान, ठीक है, अवध के मैदान। जो रोहिलखंड प्लेन्स है, रोहिलखंड प्लेन्स रामगंगा से गोमती तक है दोस्तों। कहां से लेकर कहां तक है, रामगंगा से गोमती, और अवध प्लेन्स है गोमती से लेकर घाघरा तक, गोमती टू घाघरा, गोमती से लेकर घाघरा तक है। मिडल गंगा
मिडिल गंगा को भी दो भागों में बांटा गया है। यूपी के मैदान और बिहार के मैदान। यूपी के मैदान और बिहार के मैदान। ठीक है, मिडिल गंगा को भी दो भागों में बांटा गया है, यूपी के मैदान और बिहार के मैदान। क्लियर एवरीबॉडी? ओके क्लियर। तो जो यूपी के मैदान है वो ईस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश में, ईस्ट यूपी में है दोस्तों, घाघरा नदी से लेकर गंडक नदी तक। यूपी के ईस्ट में है, ईस्ट यूपी में है, घाघरा नदी से लेकर गंडक नदी तक। गंडक नदी तक कौन से मैदान है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मैदान इनको बोला जाता है। ओके ओके। बिहार के मैदान दोस्तों, बिहार के मैदान को सारण प्लेन्स भी बोला जाता है, सारण का मैदान भी बोला जाता है, सारण का मैदान भी बोला जाता है, जो कि कहां तक है? गंडक नदी से लेकर बूढ़ी गंडक तक है। गंडक नदी से लेकर बूढ़ी गंडक तक है। कौन से मैदान? बिहार के मैदान। ओके, इसके बाद है लोअर गंगा के मैदान। लोअर गंगा, निचली गंगा के मैदान दोस्तों। निचली गंगा के मैदान, ये मैदान कोसी नदी से लेकर महानंदा तक है दोस्तों। कोसी नदी से लेकर महानंदा तक है। इन मैदानों में गंगा नदी का की जो स्पीड है वो कम हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, पानी ठहर सा जाता है, कुछ तो डैम डैम की वजह से, बांधों की वजह से पानी की गति कम हो जाती है। कुछ प्लेन्स में, निचली गंगा में जो गंगा नदी की स्पीड है वो कम हो जाती है। ओके, इसीलिए यहाँ पे गाद पाई जाती है दोस्तों, गारा पाई जाती है, दलदली मार्शी इलाका पाया जाता है, दलदली क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ पे भी बीमारियां बहुत ज्यादा रहती है। निचली गंगा है तो बाढ़ की समस्या भी रहती है दोस्तों। यहाँ पर किस चीज की समस्या रहती है? बाढ़ की समस्या भी यहां पर रहती है। क्लियर? बाढ़ की समस्या भी यहां पे रहती है। ओके, उसके बाद है दोस्तों डेल्टा, फिर बनाती है गंगा नदी क्या? फिर गंगा नदी बनाती है दोस्तों डेल्टा। डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर, दोनों नदियां मिलकर बनाती है डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती है दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके क्लियर। तो ये थे दोस्तों गंगा नदी के मैदान। गंगा नदी के मैदान के बाद हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। तटीय मैदान में गुजरात के मैदान, वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले गुजरात के मैदान, फिर वेस्ट कोस्टल प्लेन और फिर ईस्ट कोस्टल प्लेन हम पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सोइल, मिट्टी। कितने प्रकार की मिट्टी है भारत की? 8 प्रकार की मिट्टी है। और आज के लिए हम यहीं पे रखेंगे, इतना ही रखेंगे। ऐसा है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।